नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हेल्थ एंड वेल्थ स्वयंसेवी संस्था जोधा डी मोड़ चास द्वारा इंडिया स्वरोजगार डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत सोमवार को दुग्धा स्टेडियम में एक समारोह आयोजित कर लगभग 50 महिला पुरुषों के बीच स्वरोजगार हेतु 1500 रुपए वितरित किए गए। समारोह का विधिवत उद्घाटन जीप संख्या 12 चंद्रपुर के जीप सदस्य संतोष कुमार पांडे, दुग्धा पश्चिमी पंचायत मुखिया रेणु देवी, सिटी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर जे सी प्रभाकर ने संयुक्त रूप से किया। जीप सदस्य संतोष कुमार पांडे ने कहा कि हेल्थ एंड वेल्थ एनजीओ द्वारा अपने सदस्यों को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए सहयोग राशि प्रदान करना स्वागत योग्य है। साथ ही कहा कि संस्था द्वारा महिला पुरुषों को गार्ड का प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न संस्थानों में रोजगार भी मुहैया करने का काम कर रहा है। साथ ही कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मौके पर महादेव प्रमाणिक, व्यासराम, मनोज कुमार प्रमाणिक, गीता देवी, कौशल्या कुमारी, चंदा देवी, तिलु देवी, आशा देवी, गुंजन दीपिका और पूजा आदि मौजूद थी। ये हमारा एक संस्था है जिसमें 475 रुपया देके महिला लोग जुड़ती है, जिसमें उसको रोजगार के लिए राशि मिलता है। 3 महीना बाद से मेरा राशि उन लोग को मिलता है, 3000 से 1500, 3000 जो जिस तरह काम करती है उसको उस तरह रोजगार के लिए राशि दिया जाता है। वो राशि को अपना रोजगार में उपयोग करे और उस उपयोग को वीडियो बना के कंपनी को दिखाए कि हम इस रुपया का ये उपयोग किए, ये रोजगार में लगाए हैं। ठीक है, जैसे कोई बकरी पालन हो, कुछ भी अगर आप अपना घरेलू रोजगार कर सकती है। जैसा कि अभी तक जो है कितने लोगों इसको इससे जोड़ा गया है, कितने लोगों को क्या अभी तक लाभ पहुंचाया गया है? ठीक है, करीबन अभी तक मेरा इसमें 500+ जुड़ गया है और सबको हम आज अनुदान राशि दे रहे हैं। जो जो महिला अभी तक यहाँ उपस्थित है उनको तो दे ही रहे हैं, जो नहीं उपस्थित है उनको ऐसे ही हम उनको अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आपकी संस्था में जुड़ने का कोई शुल्क भी है क्या? नहीं, 475 रुपया उसका फॉर्म शुल्क है और उस महिला को एक्टिव रहने के लिए 60 रुपया मंथली उसको जमा करना पड़ता है ताकि वो एक्टिव रहे। आपकी संस्था में जमा करनी होगी? हाँ, संस्था में एक्टिव रहने के लिए। ये पैसे कहाँ से आप उपलब्ध कराते हैं? सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो आप पैसे इन लोगों को दे रहे हैं? ये हमारे बोस का एक संस्था चलता है, वहाँ से उनको अनुदान मिलता है। निबंधन क्या है इसका? रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें जो है वो दलित नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर छूट गया होगा, हमारे बॉस के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये जो SIS जो सिक्योरिटी गार्ड के जो ड्रेस पहने हुए हैं ये लोग कौन है? या फिर हम लोग के सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है ISIS आइडल सिक्योरिटी इंटरनेशनल। वो तो उसका बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है? नहीं, उसका प्रोग्राम नहीं है। गार्ड को हम सुरक्षा के लिए बुलाए, उसका प्रोग्राम आज नहीं है। वो लोग को क्या उपलब्ध कराया जा रहा है आपकी कंपनी की तरफ से? वो लोग को मंथली सिक्योरिटी जो गार्ड काम करते हैं मंथली पेमेंट होता है हर महीने। कहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन आप करवाया? मेरा दिल्ली से। हेल्थ एंड वेल्थ इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक निजी संस्था है और इस संस्था के द्वारा महिलाओं की जागरूक करना और रोजगार की मुहैया करवाना एक कार्यक्रम इन्होंने इस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें एक सुभाष ठाकुर जी हैं ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करने वाले। उनके साथ बहुत से पदाधिकारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, कार्यकर्तागण हैं। इन्होंने मिलकर ग्रामीण रूरल एरिया वगैरह में महिलाओं का जो रोजगार देना और रोजगार से जोड़ना, आज इसके तहत में आज इन्होंने 475 रुपया करके जमा किए थे, उसके एवज पे 1500 रुपया करके फिर इन्होंने 3 महीना के बाद देने की बात थी लेकिन 1 ही महीना में दे रहे हैं। और ये रोजगार के द्वारा इन्होंने और आगे काम करेंगे, जो महिला जो संस्था अच्छा काम करेगा उसको अगला महीना ही लोग स्कूटी देने का भी प्रावधान है प्रोत्साहन के रूप में। इस तरह से लोगों का गांव-गांव में जाके रोजगार देने का काम कर रहे हैं।